मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पाक विस्थापितों को सहायता। सीमांत लोक संगठन के अध्यक्ष हिंदू सिंह सोढ़ा ने सीएम को पत्र लिखा था। पत्र में विभिन्न जिलों में करीब 6000 पाक विस्थापितों का जिक्र किया गया था और जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि पाक विस्थापित परिवार जो किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना में नहीं आते, ऐसे पाक विस्थापित परिवारों को राशन सामग्री उपलब्ध करवाएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए हैं, पाक विस्थापित परिवारों को राशन सामग्री उपलब्ध करवाई जाए, पाक विस्थापितों को सहायता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से सीमांत लोक संगठन के अध्यक्ष हिंदू सिंह सोढ़ा ने सीएम को पत्र लिखा था और उसके बाद पत्र में विभिन्न जिलों में करीब 6000 पाक विस्थापितों का जिक्र किया गया था, आपको बता दें। और जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि पाक विस्थापित परिवार जो किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना में नहीं आते, उन्हें राशन सामग्री उपलब्ध करवाई जाए। पाक विस्थापितों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से यह सहायता। और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए A1 टीवी के वरिष्ठ पत्रकार नीरज मेहरा जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी नीरज जी, देखिए ये एक बहुत बड़ी सहायता उन लोगों के लिए है क्योंकि कहीं जिक्र उन लोगों का आ नहीं रहा था और ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो सहायता के लिए कहा है वो बहुत काबिले तारीफ है। मनीषा, बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के किसी भी कोने में रह रहे पाक विस्थापित जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री उपलब्ध कराने के आदेश दे दिए हैं। और आपको बता दूं कि हिंदू सिंह सोढ़ा जो है एक व्यक्ति है, तमाम जो पाक विस्थापित है उनकी लड़ाई लड़ते हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर इस बात की मांग उठाई थी कि कई स्थानों पर जो पाक विस्थापित रह रहे हैं वो संगठित नहीं होने के कारण उन्हें राशन पानी की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे ही मुख्यमंत्री को ये पत्र मिला, मुख्यमंत्री ने तमाम जिला कलेक्टर्स को आदेश दिए कि जहां पर भी पाक विस्थापित रह रहे हैं उनको सब राशन उपलब्ध कराया जाए और जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, क्योंकि इनके राशन कार्ड वगैरह बनते नहीं है, ऐसी स्थिति में उन लोगों को जो है प्राथमिकता देवे और राशन सामग्री उन्हें उपलब्ध कराएं। इसके लिए लगभग 618 पाक विस्थापित परिवार जोधपुर में रहते हैं, 500 के लगभग जयपुर में रह रहे हैं, इसी तरह पूरे प्रदेश में जगह जगह पाक विस्थापित नागरिक रह रहे हैं। लगभग 6000 परिवार माने जा रहे हैं उन तक की राशन सामग्री पहुंच पाएगी और तमाम जो रसद अधिकारी है उनको भी निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी पाक विस्थापित यदि राशन मांगने आता है, राशन लेने आता है, तो उसे मना नहीं किया जाए, उसे राशन सामग्री पहुंचाया जाए। और जो सोढ़ा हिंदू सिंह सोढ़ा ने जो चिट्ठी दी है उस चिट्ठी के आधार पर जिला प्रशासन उनसे जो है तालमेल बैठाएगा, तालमेल बैठाकर प्रत्येक पाक विस्थापित तक राशन सामग्री पहुंचाने का प्रयास करेगा। और ये वाकई में मनीषा बहुत बड़ी राहत है क्योंकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है, उनको मजदूरी भी नहीं मिल पा रही है और उनके पास किसी तरह के दस्तावेज नहीं होने के कारण उनके जो सामने है रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। लेकिन सरकार के इस आदेश से, मुख्यमंत्री जी के इस आदेश से उन लोगों को राशन सामग्री पहुंच पाएगी, वो अपने बच्चों का पेट भर सकेंगे। मनीषा जी बिल्कुल, नीरज जी देखिए मुख्यमंत्री संवेदनशील है, लगातार हर गतिविधि पर नजर बनाए रखे हैं और जिस भी प्रकार की समस्याएं आगे आ रही हैं, खुद मुख्यमंत्री बहुत अच्छे निर्णय लेकर उन समस्याओं को दूर करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जैसे ही उनके संज्ञान में कोई विषय लाया जाता है तो उस विषय पर त्वरित गति से काम करना, उस विषय को त्वरित उस विषय का समाधान करना, क्योंकि पाक विस्थापित का बड़ा समस्या है, बड़ी समस्या है और राजस्थान में बड़ी संख्या में रहते हैं। लेकिन अभी तक किसी ने ये विषय उठाया नहीं था, लेकिन जैसे हिंदू सिंह सोढ़ा जो लगातार पाक विस्थापितों की लड़ाई लड़ते रहते हैं, उन्होंने ये विषय उठाया, मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाए और जैसे मुख्यमंत्री जी को इस बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने त्वरित जो सभी जिला कलेक्टर्स राजस्थान के तमाम लोगों को निर्देश जारी कर दिए, आदेश जारी कर दिए कि जो भी पाक विस्थापित है, हिंदू सिंह सोढ़ा ने एक सूची भी सरकार को उपलब्ध कराई है, उसके माध्यम से जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर जो पाक विस्थापित रहते हैं उन तक राशन सामग्री पहुंचाने का काम जिला प्रशासन करेगा और ये वाकई में बहुत बड़ी राहत मिलेगी, इन परिवारों को 2 जून की रोटी मिल सकेगी। मनीषा बिल्कुल, नीरज जी तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको बता दें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पाक विस्थापितों को ये सहायता दी है, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं कि उन्हें राशन सामग्री उपलब्ध करवाई जाए।